खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृता याम् हन्तुम् मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुप्ते हरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रानिवौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्थैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीर्द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्तौ कञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्वृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशम् यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः स्वादिदुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्छान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः
सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्यागम्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिका प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्तेषु अप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुम् वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवं स्त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गदराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैः दारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च संयक्तस्तेषु
ஜெயதி ஏவமேவ ததாஹம் ச த்வாவப்யத்யந்த துக்கிதௌ த்ருஷ்ட தோஷேபி விஷயே மமத்வா க்ருஷ்ட மானஸௌ தத்கிமே தன் மகாபாக யன்மோஹோ ஞானினோரபி மமாஸ்ய ச பவத்யேஷா விவேகாந்தஸ்ய மூடதா ரிஷிருவாச ஞானமஸ்தி சமஸ்தஸ்ய ஜந்தோர் விஷய கோச்சரே விஷயஸ்ச மகாபாக யாதி சைவம் பிருதக் பிருதக் திவாந்தா பிராணினக் கேசித் ராத்ரா பந்தாஸ்ததா பரே கேசித் திவா ததா ராத்ரௌ பிராணினஸ்துல்ய த்ருஷ்டயஹ ஞானினோ மனுஜா சத்யம் கிம் து தேனஹி கேவலம் யதோ ஹி ஜ்ஞானினஸ் ஸர்வே பசுபக்ஷி மிருகாதயஹ ஞானம் ச தன்மனுஷ்யாணாம் யத்தேஷாம் மிருகபக்ஷிணாம். மனுஷ்யாணாம் ச யத்தேஷாம் துல்யமன்யத் ததோபயோஹ ஞானேபி சதி பஷ்யைதான் பதங்காஞ்சாவசஞ்சுஷு கணமோக்ஷாத்ருதான் மோஹாத் பீட்யமானான் அபிக்ஷுதா மானுஷா மனுஷ வ்யாக்ர சாபிலாஷா சுதான் பிரதி லோபாத் பிரத்யுபகாராய நன்வேதான் கிம் ந பஷ்யசி ததாபி மமதா வர்த்தே மோஹகர்த்தே நிபாதிதாஹ மகாமாயா பிரபாவேண சம்சாரஸ்திதிகாரிணா தன்னாத்ர விஸ்மயக்காரியோ யோக நித்ரா ஜகத்பதே மகாமாயா ஹரேஷ்சைஷா தயா சம்மோஹ்யதே ஜகத் ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹி ஸா பலாதாக்ருஷ்ய மோஹாய மகாமாயா பிரயச்சதி தயா விஸ்ருஜ்யதே விஸ்வம் ஜகதே தச்சராச்சரம். சைஷா ப்ரஸன்னா வரதா நிருணாம் பவதி முக்தயே சா வித்யா பரமா முக்தே ஹேது பூதா சநாதனி சம்சார பந்த ஹேதுஷ்சே சைவ சர்வேஸ்வரேஸ்வரி. ராஜோவாச பகவன் காஹி சா தேவி மகாமாயேதியாம் பவான் ப்ரவீதி கதமுத்பன்னா சா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்விஜ யத் ப்ரபாவாச சா தேவி யத் ஸ்வரூபாய துத்பவ தத் ஸர்வம் ஸ்ரோது விச்சாமி த்வத்தோ ப்ரஹ்ம விதாம் வர. ரிஷிருவாச நித்யைவ சா ஜகன்மூர்த்திஹி தயா ஸர்வமிதம் ததம் ததாபி தத் ஸமுத்பத்திஹி பஹுதா ஸ்ரூயதாம் மம தேவானாம் கார்ய சித்யர்த்தம் ஆவிர்பவதி சா யதா. உத்பன்னேதி ததா லோகே சா நித்யாப்யபிதீயதே யோக நித்ராம் யதா விஷ்ணுஹ ஜகத்யேகார்ணவீக்ருதே ஆஸ்தீர்யசேஷம் அபஜத்
कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्राम् ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोः अतुलाम् तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देव जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीस्त्वमीश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिः त्वम् शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तु अतिसुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वम् किम् स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादाथियो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीतः कस्त्वाम् स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशानयेव च कारितास्ते यतो तस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्तम् प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु
बोधश्चक्रियदामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उक्तस्थौ च जगन्नाथः तथा भुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावक्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो ब्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येण वरेणात्र एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाम् जहिनयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एव वेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते